हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। माय वाइफ इज सीक्रेट माफिया। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसकी स्टार्टिंग में मिसेस लैनी हिसाब किताब देख रही होती हैं और उन्होंने विंग को भी अपने साथ बैठा रखा था। विंग तब मैडम लैनी से रिक्वेस्ट करता है उसे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। वो सभी यहाँ आए हैं। ये सुनकर मैडम लैनी कहती है, तो फिर तुम अपने फ्रेंड को घर पर क्यों नहीं बुला लेते। ये सुनकर विंग कहता है, उन्हें घर पर बुलाना ही थोड़ा ऑफर्ड हो जाएगा। उन लोगों ने मुझे कैफे में बुलाया है, मैं बस उनसे मेल कर पाना चाहता हूँ और मैं थोड़ा सिटी को घूम भी लूँगा। मॉम, क्या मैं जा सकता हूँ? विंग बहुत रिक्वेस्टिंग टोन में मिसेस लैनी से कहता है, तो मिसेस लैनी मना नहीं करती है और उसे एक बॉडीगार्ड के साथ जाने को कहती है। विंग अपने बॉडीगार्ड के साथ इंटरनेट कैफे के सामने रुकता है और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पर सोंग लैन, सु यांग और सो सिंचैन उसी का वेट कर रहे थे। वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी हाई फाई करते हैं और साथ में कॉमन फ्रेंड की तरह वो बातें कर रहे होते हैं। सोंग लैन 30 ईयर्स ओल्ड है, उसका एक खुद का बार है। इसी के साथ वो विंग के साथ अंडरवर्ल्ड में काम भी करता है। सु यांग 27 ईयर ओल्ड, वो एक बिजनेसमैन है, उसकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, मगर वो विंग की ब्लैक मनी को संभालने का काम करता है। ये कोई सीधा नहीं है, ये भी एलन का किलर है। सौ सिंचैन वो एक ओमेगा है, कहने के लिए वो एक डॉक्टर है, वो भी 13 ईयर्स ओल्ड है। इसका तो अलग ही इलीगल बिजनेस है, फेक रिपोर्ट बनाना या इनलीगल एक्सपेरिमेंट करना, ह्यूमन आर्गन को गलत तरीके से सेल करना, इस तरह के काम करके उसे काफ़ी पैसे छपे हैं। ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में विंग मिस्टर लैन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसे जॉब पर जाना है। वो अपनी जॉब को ऐसे ही क्विट नहीं कर सकता, अगर वो जॉब पर भी जाता है तब भी वो घर के कामों को मैनेज कर लेगा। विंग मिस्टर लैन को समझाने का ट्राई कर रहा था, उसे कोई आइडिया नहीं था मिस्टर लैन क्या कहेंगे, मगर मिस्टर लैन का जवाब सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लैन मास्टर कहते हैं, तुम्हें जो करना करो, उसे क्या पूछ रहे हो, बस 9 बजे से पहले तुम घर आ जाना। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी मास्टर लैन इस तरह से कहेंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश था, बिना किसी परेशानी के वो अपने काम को अंजाम दे सकता है। उसे एक सीक्रेट मिशन पर जाना था, इसलिए उसे घर से बाहर रहना था, वरना वो तो 2 घंटे में किसी को निपटा कर आ सकता है। इसलिए विंग मास्टर लैन से परमिशन मांग रहा था, क्योंकि उसे घर से बाहर रहना है ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विंग ने काम करना शुरू कर दिया था, वो डेली अपनी जॉब पर जाने लगा था। मॉर्निंग में उठकर वो सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। सबके ऑफिस जाने के बाद वो खुद की जॉब पर जाता है और जल्दी से घर पर आकर डिनर रेडी करता है। बाकी काम तो मिसेस लैनी संभाल लिया करती हैं, तो विंग को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। वैसे भी घर पर तो मेट है, तो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। हमेशा की तरह विंग अपनी जॉब पर जाता है, वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब करता है। इत्तेफाक से लैनसन की मीटिंग उसी रेस्टोरेंट में होती है, वो बिजनेस डील के चलते वहाँ लंच करता है और विंग उनके फूड को उन्हें सर्व करता है, साथ में वो वाइन को ग्लास में भर कर देता है। लैनसन तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, मगर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। विंग अपने फेस में स्माइल लिए उन सब को सर्व करने के बाद वहाँ से चला जाता है। लैनसन उस पार्टी के साथ अपना लंच कंप्लीट करके वहाँ से जा रहा था। वीआईपी रूम से होते हुए वो कॉमन एरिया से गुजरता है और वहाँ पर हो रहे शोर को सुनकर वो स्ट्रक्चर में देखता है, तो एक पर्सन विंग पर काफ़ी चिल्ला रहा था। इवन उसने तो गुस्से से विंग का हाथ पकड़ लिया था। विंग अपना सर झुकाकर उससे माफ़ी मांग रहा था, मगर वो पर्सन वो उसकी कुछ सुन नहीं रहा था और उस पर भड़क रहा था। लैनसन इसे इग्नोर नहीं कर पाता, उनके पीछे कोई भी प्यार अफेक्शन नहीं है, मगर उनकी मैरिज हुई है, विंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वाइफ है, तो वो उसे कैसे ऐसे देख सकता है। इस तरह से उसने कभी अपनी वाइफ का हाथ नहीं पकड़ा और ये पर्सन उसका हाथ पकड़ने की जरूरत कैसे कर सकता है। लैनसन बहुत ही गुस्से से उसके पास आता है और विंग का हाथ उस पर्सन से छुड़ाता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, तुम एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? उसने कहा ना, उससे गलती से हुआ है और वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है, तो इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रहे हो? वो पर्सन गुस्से से कहता है, हे तुम हो कौन? तुम्हें आइडिया भी है मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? पूरे सोप मुझ पर गिरा दिया, ऊपर से मेरी सोच भी गंदी कर दी। आखिर माफ़ी मांगने से क्या होगा, इसे मुझे पे बैक करना चाहिए। लैनसन उसे ऊपर से नीचे देखता है और एक चेकबुक निकाल कर उसमें कुछ अमाउंट देख कर उससे कहता है, निकलो यहाँ से, और चिल्लाते हुए मैनेजर सिक्योरिटी को बुलाने लगता है।
वो पर्सन लेंसी से कहता है, आखिर तुम हो कौन, ये किसे पैसे का रूप दिखा रहे हो। उसी समय मैनेजर भागता हुआ वहाँ आता है और लेंसन से कहता है, मिस्टर लैन मुझे माफ कर देना। लेंसन गुस्से से कहता है, आखिर तुम इतनी देर से कहाँ थे, यहाँ पर तमाशा चल रहा था, तुम्हें इन सब चीजों को हैंडल करने के पास कहाँ चुप कर बैठे थे। वो तो उस मैनेजर को झड़काने के बाद विंग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। विंग अपने हाथों को चुराने का बहुत ट्राई कर रहा था मगर लेंसन की पकड़ और भी टाइट होती जा रही थी। विंग गुस्से से और हैरत से लेंसन की तरफ देखने लगा था और फिर वो कहने लगता है, छोड़ो भी मुझे, तुम कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो, ए पागल अल्फा, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो। लेंसन उसे अपनी कार के पास लाकर उसे पिन करता हुआ कहता है, अब से तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम होते कौन हो, आखिर तुम मेरे मामले में क्यों पार रहे हो। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। लेंसन उसे कहता है, चुप रहो, अब हम सीधा घर जाएंगे। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर, मुझे मेरी जॉब पर जाना है, तुम्हारी वजह से तो मुझे जॉब पर निकाल दिया जाएगा, मुझे मैनेजर से बात करनी होगी। और वो निकलने की ट्राई कर रहा था मगर लेंसन उसे पकड़ कर घर के अंदर करता है और गुस्से से कहता है, चुप, आखिर तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह की जॉब करने की। विंग कहता है, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, मुझे अब जानी भी दो। लेंसन अपनी सेक्रेटरी से कहता है, मैनसन की तरफ चलो। और वो विंग को बहुत ही गुस्से से देखता है। विंग का तो एक बड़ा बड़ा मुंह फूल गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी भरी हुई आंखें देखकर तो लेंसन शॉक हो गया था। क्या अब इस तरह का फेस क्यों बना रखा है, क्या तुम रोना चाहते हो, छोटे बच्चे हो क्या। ये सुनकर विंग उसे गुस्से से मारने लगता है और कहता है, कान रोको, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा, मुझे गुस्सा आ गया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लेंसन के साथ वहाँ फाइट करने लगा था क्योंकि हमारे क्यूट विभू सान के हिसाब से लेंसन उसका किडनैप कर रहा है। उसने तो लेंसन को देखा ही नहीं था तो वो उसे पहचान नहीं पाया था और लेंसन को मारने लगा था। लेंसन एक दो पंच खाने के बाद उसके हाथों को पकड़ता है और उसे अपने लेग में बैठा लेता है। वो विंग की हरकतों से काफी सरप्राइज था क्योंकि कहीं ना कहीं विंग की हरकतें उसे क्यूट लग रही थी और उसे उसके साथ खेलने में मजा आ रहा था। वो उसे टाइटली होल्ड करता है और विंग के नेक में अपनी नोज रब करता है, उसके ईयर्स पर लिक करता है, जिस वजह से तो पीपर्सन बहुत ज्यादा फ्लिंच कर रहा था और जोर जोर से नाम से हिलाता हुआ चिल्लाने लगता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम गंदे अल्फा, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। उसके एक्सर रिएक्शन को देखकर लेंसन स्माइल करने लगता है और विंग उसकी स्माइल देखकर रूनी सी शक्ल बनाता है और लेंसन अपने मन में सोचता है कि इसकी ये ट्रू सेल्फ है, पहले तो ये बहुत ज्यादा बोल्ड बन रहा था तो अब मेरे इस तरह से करीब आने पर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, या फिर ये परवर्ट ओमेगा सिर्फ ड्रामा कर रहा है। वो लोग लेंसन से पहुंच जाते हैं। लेंसन जबरदस्ती विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर निकालता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। विभूषण पहले तो बहुत ड्रामा करता है ना अनुकूल और रोना धोना कर रहा था मगर वो जब ध्यान देता है वो तो लेंसन में है तो थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो लेंसन का हाथ पर काट कर अंदर की तरफ भाग जाता है और जोर जोर से मैडम लैनी को आवाज देने लगता है, मॉम मॉम कहाँ हो। मैडम लैनी जो शायद भीड़ थी वो उन पर खड़ी हो जाती है। विंग जल्दी से उनके पास आता है, उन्हें हक कर लेता है। मिसेस लैनी तब पूछती है क्या हो गया, तब विंग लेंसन की तरफ पॉइंट करने लगता है। मिसेस लैनी लेंसन की तरफ देखकर पूछती है, लेंसन क्या हो गया और विंग तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों है। विंग लेंसन का नाम सुनकर लेंसन की तरफ देखने लगता है और उसे याद आता है उसका तो एक लेंसन नाम का हस्बैंड है। ये सब याद करके वो अपना फेस छुपाने लगता है और मिसेस लैनी से कहता है, इसने मुझ पर गुस्सा किया और मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले आया और आपको पता है इसने मुझे हर्ट किया, मुझे बहुत दर्द हुआ। और वो जो जो उसे रोने लगता है, मिसेस लैनी उसे शांत कराने लगती है और लेंसन बस उसे हक्का बक्का होकर देख रहा था, भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस इसे शांति से ले आया था, तो ये इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं। मिसेस लैनी विंग को शांत कराने के बाद लेंसन से कहती है, तुमने ऐसा क्या किया, ये इतना क्यों रो रहा है। लेंसन तो कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो बस ड्रामा कर रहा है, मॉम आपको इसकी बात नहीं सुननी चाहिए और तुम कितना सिसकोगे, अपने रूम में जाओ और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बाहर काम पर जाने की। विभूषण मुंह फुलाकर कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं जाऊंगा। लेंसन कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें एक बार समझ भी नहीं आती है, मैंने कह दिया ना तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, अगर फिर भी तुम्हें काम करने का इतना शौक चढ़ा है तो मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा। और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था
बिबलसन मिसेस लेनी के पीछे छूट जाता है और कहता है, मॉम देखो कैसे मुझे आंखें दिखा रहा है। मिसेस लेनी लैंसन से कहती है, लैंसन ये सब क्या चल रहा है, अगर तुम क्यों उस बच्चे को मना कर रहे हो, अगर ये काम पर जा रहे हो तो इसमें क्या गलत है। लैंसन कहता है, मॉम आपको पता भी है ये क्या काम कर रहा है, ये रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब कर रहा है और मैं नहीं चाहता ये सारे काम करे, तो आप इसे अच्छे से समझा दो, मैं नहीं चाहता ये काम करने के लिए बाहर जाए। और ऐसा कहकर लैंसन वहाँ से चल जाते हैं। मिसेस लेनी विंग को समझा रही होती हैं। बिबलसन का तो मुंह बना हुआ था, उसे लैंसन पर गुस्सा आ रहा था। इधर लैंसन अपने रूम की तरफ जा रहा था, लैंसन उसे रोकते हैं और कहते हैं, क्या हो गया तुम किस बात के लिए विंग पर चिल्ला रहे थे। लैंसन को देख कर लैंसन बालकनी की तरफ आ जाता है और फिर वो उन्हें बताता है रेस्टोरेंट में क्या हुआ था, इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वो नहीं चाहता विंग इस तरह के काम करे। ऐसी जगह का काम करके वो लैन फैमिली की रेपुटेशन को खराब कर रहा है। उसके बाद सुनकर लैन सिजन स्मार के साथ कहते हैं, सच बताना तुम्हें लैन फैमिली की रेपुटेशन की परी है या विंग की परवा थी, उसे तो कोई जानता भी नहीं है, उसका नाम तो लैन फैमिली में आता नहीं है, तो भला वो कैसे लैन फैमिली की रेपुटेशन खराब कर रहा है। लैंसन इसका आंसर नहीं करता। लैंसन से कहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते वो काम करें तो तुम उसे अपने साथ काम पर क्यों नहीं रखते। लैंसन कहता है, भाई मैं भी यही सोचा था मगर मैंने उससे इस बारे में बात नहीं की है और मैं शायद कर भी नहीं पाऊंगा, वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। वो विंग की लाख बुराई कर रहा था। तब लैंसन कहते हैं, तुम अपनी कमियों का दोष उसे क्यों दे रहे हो, वो कितना इनोसेंट और प्यारा है, अगर तुम अच्छे से बात करोगे तो वो भी तुमसे अच्छे से बात करेगा, तुमने जरूर उससे पहले ठीक से बात नहीं की होगी। और यहाँ लैंसन तो विंग के साइड थे। ये देखकर लैंसन अपने मन में कहता है, इनोसेंट और वो परवट ओमेगा बिल्कुल भी नहीं, आखिर वो कितना चालू है, उसने मदर को तो अपने झांसे में ले ही लिया है, मेरा भाई भी उसका साथ दे रहा है। इधर लैंसन से बात कर रहा था और दूसरी तरफ विंग अपने रूम में आ गया था और वो अपनी नोटबुक में कुछ बातें लिख रहा था। उसके बाद वो काउच पर आइज क्लोज करके बैठ जाता है। लैंसन जब रूम में आता है तो वो विंग को चेक कर रहा होता है, वो सोया है कि नहीं, वो उसका कई बार नाम लेता है और उसे हिलाता है मगर विंग अपनी आंखें नहीं खोलता। तब लैंसन उसके पास ही बैठ जाता है और फिर वो कहना शुरू करता है, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं बस नहीं चाहता हूँ तुम मुझसे कोई काम करो, पर इतने में तुम इतनी बुरी तरह से रोगे मैंने सोचा नहीं था, तुमने कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया, और आखिर तुम उस जगह काम क्यों करना चाहते हो, उस जगह वो अल्फा तुमसे कितनी बदतमीजी कर रहा था, मैं बस नहीं चाहता कोई तुमसे इस तरह से बात करे, तो अब से तुम उस जगह जॉब पर नहीं जाओगे, आई बात समझ में। वो ऐसा करके विंग की तरफ देखता है तो विंग अपनी आंखें खोल चुका था और उसी जगह देखकर लैंसन तो चौंक जाता है और थोड़ा पीछे हटता है। विंग की आंखें काफी स्कैरी और गुरूर से भरी हुई थी। लैंसन अपनी सरावे को गर्व करते हुए कहता है, तुम सोए नहीं थे, ये सुनकर विंग कहता है, तुम जब अपनी बकवास कर रहे थे तो मैं जाग चुका था, वैसे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी थैंक यू, पर मैं अपनी जॉब क्विट नहीं कर सकता, मैं अपने फ्रेंड की जगह वहाँ काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मंथ के लिए वहाँ काम करूँगा, उसके बाद मैं खुद जॉब छोड़ दूंगा, तो तुम्हें इतना फिक्र नहीं करनी चाहिए। रही बात उस अल्फा की, अगर उसने कुछ ज्यादा किया होता तो मैं वही उसका सर फोड़ देता। ये सुनकर लैंसन हल्की सी स्माइल करता है। तब विंग उसे से देखकर कहता है, तुम इस तरह से क्यों स्माइल कर रहे हो, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में उसका सर फोड़ देता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लैंसन तब स्माइल के साथ कहता है, ओ अच्छा तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा था, उस समय तो एक डर से मैं बच्चे की तरह वहाँ खड़े हुए थे, अगर वो पर्सन थोड़ा और उसी आवाज में बात करता तो तुम वहाँ पर रोने ही लगते। ये सुनकर विंग थोड़ा मुंह बनाता है और कहता है, वो तो गलती मेरी थी ना, इसलिए मैं वहाँ चुप था, वरना मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। ये सुनकर लैंसन हंसने लगता है और कहता है, मुझसे बेहतर कौन जा सकता है, तुम अपने अल्फा के नहीं सुनते हो तो दूसरों की क्या सुनोगे। वो ऐसा कहकर विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसे एक सेकेंड देखने के बाद अपनी आंखें रोल करता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। लैंसन तब उसकी तरफ थोड़ा सा खिसकता है और फिर उसे कहता है, वैसे मैं तुम्हें अपनी ऑफिस में काम दिला सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। ये सुनकर विंग उसकी तरफ मुड़ता है तो वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। विंग की आंखें चौड़ी हो जाती है, वो अपने सिलाई पर गर्व करता हुआ लैंसन की आंखों में देखता हुआ कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा, और ऐसा कहकर वो उठकर वहां से चला जाता है। लैंसन एक लॉन्ग ब्रीथिंग लेता है, उसे विंग की सेंट काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो वहां बैठा अपने लिप्स को टच करने लगता है, उसने कार में विंग को किस किया था, पर अफसोस
वो उसकी नेक पर था, उसके लिप्स पर नहीं, वो उसके लिप्स को टेस्ट करने की ग्रेविंग हो रही थी। वो अपनी थॉट पर लगाम लगाता हुआ सोचता है। विंग उसकी फैमिली के सामने काफी इनोसेंट बनता है, पर उसके सामने तो अलग ही शख्स बन जाता है। ऐसे में मैं उसे किस तरह से समझूं, उसे मैं कैसे अपना बनाऊं? अगर उसके साथ मुझे कुछ करना है तो उसके लिए मुझे उसका दिल जीतना होगा, और ये इतना आसान नहीं होने वाला। वो सोफे पर लेन हुआ अपनी थिंकिंग में खोया हुआ था। इधर विंग भी लैंसन के बारे में सोच रहा था, आज वो पहले से ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है? मुझे इस तरह की अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? मैं पागल हो रहा हूँ क्या? फिर वो नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैं भी ना ये सारी क्या चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे अपने मिशन पर ध्यान देने की जरूरत है, आगे मुझे क्या करना है। ईसन यहीं कट होता है और अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ विंग सबकी ऑफिस जाने के बाद खुद की जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसके रूम पर कोई नॉक करता है और आवाजें दे रहा होता है। विंग जाकर डोर ओपन करता है तो देखता है एक लड़की आके उससे लिपट जाती है और बहुत ही खुश होकर कहती है, ओ गगा मैंने आपको बहुत मिस किया। और जब वो विंग का फेस देखती है तो उसे दूर हटती है और कहती है, तुम कौन हो? तब विंग भी पूछता है, तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर पोलक भी कहती है, मेरा नाम झावली है, मैं लैनसन की कजन हूँ, अब तुम बताओ तुम लैनसन गगा के रूम में क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग उसे घूरने लगता है। वो अपनी आईब्रो चढ़ाता हुआ कहता है, कजन हाँ, ओ कजन सिस्टर, मैं आपकी लैनसन गगा का पार्टनर हूँ, आपको ये बात क्या पता नहीं है? लैनसन ने मैरिज कर ली है। ओ कैसे पता होगा, आपको किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, अब शायद वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे। विंग की टून को सुनकर झावली को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, वो क्या है ना, मैं आउटर कंट्री थी इसलिए मैं मैरिज में शामिल नहीं हो पाई। और वो आगे की बात मन में पूरी करती हुई कहती है, अगर मैं कंट्री में होती तो मैं उनकी मैरिज तुमसे होने नहीं देती। वो अपने थॉट को साइड रखकर स्माइल के साथ कहती है, लैनसन गगा कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। और वो विंग को साइड करके रूम में जाने का ट्राई कर रही थी, मगर विंग उसे रूम के अंदर आने ही नहीं देता है। वो उसे रूम से बाहर करकर रूम को लॉक करता हुआ कहता है, लैनसन घर पर नहीं है, वो ऑफिस गया है, तुम उसे नहीं मिल सकते और मैं भी बस अपनी जॉब पर निकलने वाला हूँ, सो प्लीज साइड। एंड देन वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। अपनी जॉब पर पहुँचने के बाद वो मैनेजर से बात करता है और उनसे माफ़ी मांगता है, उसे दोबारा कोई गलती नहीं होगी। मैनेजर उसे काम से नहीं निकालता तो विंग राहत की सांस लेता है और पूरे दिन काम करने के बाद घर के लिए निकल रहा होता है। सरप्राइजिंगली लैनसन उसे पिक करने के आया हुआ था। विंग के पास कोई रीज़न नहीं था उसे मना करने का, तो उसकी कार में जाकर बैठ जाता है और फिर उसे पूछता है, क्या बात है, आखिर तुम मुझे पिक करने के क्यों आए हो? लैनसन से कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे पूछ लूँ, और वैसे भी अगर हम साथ में चलते हैं तो ये कोई बुरा आइडिया थोड़ी ना है, अब से मैं डेली तुम्हें पिक किया करूँगा। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देख रहा होता है, मगर पहले तो वो कुछ नहीं कहता, फिर वो कुछ समय बाद कहता है, तुम्हें मुझे ऐसे पिक करने की जाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी कोवर्कर ने हमें ऐसे देख लिया तो वो सभी गलत समझेंगे और मेरे बारे में गलत बातें बनाएंगे। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। लैनसन कुछ कहता नहीं है लेकिन उसकी बात पर नोट करता है। उनकी भी ज़्यादा बातें नहीं होती और वो वैसे ही लैंड मैंसन पहुँचते हैं। लैनसन और विंग अपने रूम की तरफ जा रहे थे तभी झावली लैनसन के पास आकर उसे हक करके कहती है, ओ लैनसन गगा आप कैसे हैं, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। वो लैनसन के साथ चिपकी हुई थी और लैनसन स्माइल के साथ उसे आंसर कर रहा होता है। वो दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं और विंग एक साइड कोने से उन्हें देख रहा होता है और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक स्पॉइल माइंड के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है। इसके बाद डिनर टेबल में चावल उसी की पसंद की मैडम लैनी ने डिश बनाई हुई थी। इतने समय बाद यहाँ आई है इसलिए उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाया था। सभी चावल उसी को काफी अटेंशन दे रहे थे और ये सब देख कर पिंक को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे कहीं ना कहीं अटेंशन चाहिए थी स्पेशली मैडम लैनी से, मगर वो उसे मिल नहीं रही थी तो वो थोड़ा सा झावल उसी से चिढ़ा हुआ था। इसके बाद पिंक को रूम में देखते हैं, वो अपने कौच पर बैठा हुआ था और लैनसन काफी देर से वहाँ हलचल कर रहा था। उसे विंग से बात करनी थी मगर वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था, आखिर क्यों उसे खुद नहीं पता। पर विंग से बात करने से पहले वो कई बार सोचता है एंड देन वो फाइनली अपनी मान की बात कहता है, विंग तुम कौच पर क्यों सोते हो, तुम मेरे साथ बेड पर क्यों नहीं आ जाते? विंग जो कौच पर लेट कर अपने फोन को ही देख रहा था, वो लैनसन के पास सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। लैनसन कहता है,
मुझे साथ में सोने में कोई परेशानी नहीं है, आफ्टर ऑल हम हस्बैंड वाइफ है ना। तो फिर तुम्हें साथ क्यों नहीं सोते? ये सुनकर विंग उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगता है और फिर वो हंसने लगता है और फिर वो स्माइल के साथ कहता है, ओ रियली हबी, तुम मुझे अपनी वाइफ मानते हो? विकी इस टीजिंग से लैंसन के तो ईयर रेड पड़ जाते हैं और विंग उसे देख कर उठ कर बैठ जाता है और फिर कहता है, हबी क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बैठ पर आऊँ? विंग सराती स्माइल लिए लैंसन की तरफ देख रहा था। लैंसन अनजाने में अपने सर हाँ हिलाता है मगर वो फिर कहने लगता है, मैं तो बस तुम्हारी कंफर्ट के बारे में सोच कर कह रहा था। काउच पर तुम्हें ज्यादा जगह नहीं मिलती होगी और तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही होगी तो तुम बेड पर आ जाओ। विंग को लैंसन की यह हरकतें काफी क्यूट लग रहे थे और वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पा रहा था। साथ में उसे लैंसन के इरादे भी पता थे तो वो बस उसे देख कर स्माइल किया जा रहा था और वो उसे परेशान करने के कहता है, अरे नहीं हबी, मैं तो काउच पर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, देखो मैं यहाँ आराम से सो सकता हूँ। वो उसे सोकर दिखा रहा था और उसकी तरफ फेस करके कहता है, देखो तुम भी यहाँ आकर सो सकते हो मगर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वो क्या है ना, मुझे अपनी जगह शेयर करना पसंद नहीं है। लैंसन का तो ये सुनकर ही मुंह बन जाता है, उसे समझ आ रहा था वो बेड पर नहीं आना चाहता तो उसे सीधे ही मना कर देना चाहिए था। बगल जानबूझकर उसे टीस करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है तो एक बुरा सा फेस बनाकर कहता है, नहीं आना तो मैं तो इसमें मुझे क्या करते, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, बेड पर तुम ज्यादा कंफर्टेबल होते। और वह ऐसे ही बुड़बुड़ करता हुआ विंग की तरफ पीट कर लेट जाता है। विंग उसकी तरफ देखे जा रहा था और उसे देखकर सरालती स्माइल के साथ कहने लगता है, तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। और वो ये बहुत स्लो कह रहा था पर इतना भी स्लो नहीं था कि लैंसन ना सुन सके और उसने विंग की बात सुनकर अपना फेस कवर कर लिया था। उसे समझ आ रहा था विंग जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहा है उसे पसंद करने के लिए, पर अब जबकि वो उसे लाइक करना शुरू कर चुका है तो उसकी बात सुनकर उसे काफी साय फिर हो रहा है और वो सच में चाहता है वो अपनी मैलेस लाइफ को आगे बढ़ाए तो वो थोड़ी बहुत एफर्ट भी करता है। और आजकल तो वो डेली विंग के रेस्टोरेंट में उसे विजिट करने के लिए जाता है बिजनेस लंच के बहाने या तो उसे पिक करने के बहाने। वो उसे देखता है, उसे थोड़ा बहुत बांट करने का ट्राई करता है मगर विंग उसे ज्यादा भाव नहीं देता और उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज्यादा इस रेस्टोरेंट में दिख रहे हो? और आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई दूसरा वेटर तुमसे तुम्हारा ऑर्डर लेने के आता है तुम उसे जाने को कहते हो और मुझे बुलाते हो? VIP कस्टमर होकर के तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं मगर तुम्हारा अब ज़्यादा नहीं हो रहा है, तुम मुझे घर पर पसंद तो करते हो अब यहाँ भी पसंद करोगे? लैंसन अपना पपी फेस बनाकर बहुत पोलाइटली कहता है, मगर मैंने तो कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया, इवन मैंने तुम्हें कभी छेड़ा नहीं, तुम्हें टच नहीं किया। इस पर विंग कहता है, ओ तो जनाब के इरादे इस तरह के हैं। देखो मिस्टर, अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो तुम्हारे दिमाग पे मेरे लिए जो भी चल रहा है उसे निकाल फेंको और प्लीज अब यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी यही पिटाई शुरू कर दूंगा। ये सुनकर लैंसन क्यूट बनता हुआ कहता है, पर वाइफ भी मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता। ये सुनकर विंग अपना बाल नोचने का कर रहा था क्योंकि कुछ दिनों से लैंसन उसे घर पर वाइप वाइप कर दिमाग का दही कर चुका है। उसे से पहचान करने के लैंसन इस तरह की बचकांड हरकतें कर रहा है जिससे विंग काफी ज्यादा इरेटेड होता है और लैंसन को पता नहीं उसे इरेट करने में कितना मजा आ रहा है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है और अगले सीन में देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफ टॉप पर पूरे ब्लैक कपड़ों में एक पर्सन स्नाइपर के साथ वहां खड़ा हुआ था। उसने अपना पूरा फेस कवर करके रखा था, वो अपनी गन्स को रेडी कर रहा था एंड देन वो शूट करता है। उसी समय कोई पीछे से उसके सर पर मारता है, वो पर्सन अपने सर को सराहता है और पीछे की तरफ देखता है। उसी समय वो दूसरा पर्सन उसे किक करता है एंड देन ये सीन यहीं कट होता है। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है ये जानने के प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।